दुनिया में शायद ही कोई बच्चा हो जिसे स्लाइड्स पसंद ना हो, बल्कि कुछ लोगों की तो बड़े होकर भी ये क्रेविंग खत्म नहीं होती। और ऐसा हो भी क्यों ना, बुलंदी से तेजी के साथ नीचे आने का थ्रिल कौन भुला सकता है। यही वजह है कि स्लाइड्स किसी भी शेप या हाइट की हो, छोटे बड़े सभी उसी की जानिब खींचे चले जाते हैं। मगर दोस्तों, वॉइस डेली की इस एपिसोड में आपके सामने कुछ ऐसी अनयूजुअल स्लाइड्स रखनी है जो शायद ही आपने पहले देखी हो, और जितनी ज्यादा यूनिक ये स्लाइड्स हैं उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारी वीडियो होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप भी जरा नीचे स्लाइड करो, लाइक के बटन को प्रेस कर दो, साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करेंगे जमीन से 1000 फुट की बुलंदी पर बनी हुई लॉस एंजलिस की स्काई स्पेस बिल्डिंग की ग्लास स्लाइड से। शीशे की ये स्लाइड 70 मंजिला बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर पर बनी हुई है, और एक मरतबा जब आप इस पर बैठते हैं तो आपके और 1000 फुट नीचे मौजूद सड़क के दरमियान सिर्फ ये शीशा ही होता है। यही वजह है कि अगरचे ये 45 फुट लंबी स्लाइड सिर्फ चंद सेकंड में खत्म हो जाती है, लेकिन इस पर स्लाइड करते हुए बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। इसके बावजूद ये स्लाइड लॉस एंजलिस की एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है, जहां सारी दुनिया से आए हुए लोग सिर्फ एडवेंचर और थ्रिल की खातिर लाइन लगाकर ये स्लाइड लेते हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सच सच बताना कि आप में इतना जिगरा है कि 1000 फुट बुलंद हवा में मौलक ये शीशे की स्लाइड ले सके। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि चीन के शहर शंघाई में एक बिल्डिंग पर ही बनी हुई एक और स्लाइड। लेकिन इस स्लाइड की खासियत यह है कि ये बिल्डिंग के बाहर नहीं बल्कि अंदर बनाई गई है, और इसको बनाने का मकसद एडवेंचर या थ्रिल नहीं बल्कि लोगों की सेफ्टी है। शंघाई की इस 5 मंजिला बिल्डिंग पर ये स्लाइड इसलिए इंस्टॉल की गई कि अगर कभी इस बिल्डिंग में आग लग जाए या अर्थक्वेक आए तो लोग सीढ़ियां फलांगने की बजाय स्लाइड के जरिए सिर्फ 14 सेकंड के अंदर अंदर बाहर बहफाजत निकल सकते हैं। इस स्लाइड के क्रिएटर यू मियोंग का कहना है कि लोगों की जान बचाने का ये फास्ट, इजी और सस्ता तरीन तरीका है। इस स्लाइड को किसी भी स्टेयरकेस के साथ अटैच किया जा सकता है और सिर्फ एक बटन दबाने से ये एक्टिवेट हो सकती है। वैसे इस बिल्डिंग के लोगों का मानना ये है कि इस स्लाइड को इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ इमरजेंसी में नहीं बल्कि रूटीन लाइफ में भी होनी चाहिए। मसलन अगर कोई ऑफिस या क्लास से लेट हो रहा है तो ऊपर से स्लाइड करके वो चंद सेकंड में ग्राउंड फ्लोर तक तो पहुंचे। दोस्तों, पार्क्स में जब भी बच्चों के लिए स्लाइड्स लगाई जाती हैं या डिजाइन की जाती हैं, तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो एडवेंचरस होने के साथ साथ सेफ भी हो। लेकिन भैया, इस स्लाइड का डिजाइनर कौन सा सस्ता नशा करता था कि उसने इसे चीज ग्रेटर के स्टाइल में डिजाइन कर दिया। हमारे घरों में मुख्तलिफ चीजें कश करने के लिए ग्रेटर्स तो मौजूद होते हैं, तो जर्मन आर्टिस्ट कार्स्टन हॉलर लगता है इन ग्रेटर्स से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड था कि उसने इन शार्प ब्लेड्स के थीम पर स्लाइड ही डिजाइन कर डाली। मगर दोस्तों, घबराइए नहीं, असल में इस स्टील की स्लाइड पर ये होल्स मौजूद नहीं होते बल्कि सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी नजर का धोखा, और इसीलिए ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ भी है। लेकिन तनकीद करने वाले तो ये भी कहते हैं कि इस स्लाइड को लेकर बच्चों के जहन में ये बात भी जम सकती है कि घरों में मौजूद शार्प चीज ग्रेटर भी इसी तरह सेफ हैं और वो उससे खेलकर जरूर जख्मी हो सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट तो है। वैसे दुनिया भर की बड़ी कंपनीज अपने इंटरेस्टिंग डिजाइनर मेड ऑफिस सॉल्यूशंस की वजह से जानी जाती हैं, और उनकी कोशिश होती है कि ऑफिस इस तरह का डिजाइन किया जाए कि उनके एम्प्लॉयज बोर ना हो। और इस मामले में YouTube का हेड ऑफिस तो सबसे आगे निकल गया कि जहां पर स्टाफ के लिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट या स्टेयर्स नहीं बल्कि स्लाइड्स लगाई गई हैं। और YouTube ऑफिस की ये रेड 3-लेन स्लाइड अब दुनिया भर में एक आइकॉन की हैसियत रखती है। और YouTube के एम्प्लॉयज का भी मानना ये है कि इस तरह आने जाने से उन्हें रूटीन से कुछ हटकर करने का मौका मिलता है और वो रिफ्रेश हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, कितना अच्छा हो कि हमारे यहाँ भी ऑफिसेज में ऐसे ही क्रिएटिव आइडियाज अप्लाई किए जाएं। स्पेन का हिस्टोरिकल शहर एस्टेपोना साहिले समंदर के किनारे खड़ी एक चट्टान पर बिल्ड किया गया था, और पहाड़ पर होने की वजह से बल खाती सड़कों और ऊंचे नीचे रास्तों से यहाँ के लोग काफी परेशान थे। और इस परेशानी का सलूशन यहाँ की लोकल अथॉरिटीज ने यह निकाला कि पहाड़ के टॉप से एक स्लाइड बनाई जिस पर बैठकर चंद सेकंड के अंदर अंदर लोग आसानी से नीचे पहुंच सकते थे। लेकिन लगता यूं है कि ये स्लाइड बनाने वाले ने सारा फोकस क्रिएटिविटी पर ही रखा और सेफ्टी के बारे में जरा भी नहीं सोचा। ये स्लाइड एक ऐसे ऑड एंगल पर बनाई गई थी, लोग तेजी से फिसलते हुए आगे को निकल जाते थे और फर्श पर गिरकर खुद को जख्मी करवा बैठते थे। और ये मामला इतना खराब हुआ कि स्लाइड की ओपनिंग के पहले दिन ही चंद घंटों बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और यूं गवर्नमेंट के $35,000 भी जाया हुए, और वहाँ के लोगों को आज भी उन्हीं ऊंचे नीचे और बल खाते हुए रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, इससे एक बात तो जरूर साबित होती है कि वैसे जो एक आम सी स्लाइड फन राइड लगती है, उसको बनाने के पीछे पूरी एक साइंस है। आपको एंगल्स का जरूर ध्यान रखना पड़ता है, और एक छोटी सी गलती किसी की हड्डी पसली तोड़वा सकती है।
दोस्तों जैपनीज के बारे में कहा जाता है कि आज वो लाइफस्टाइल जीते हैं जो बाकी दुनिया 10 साल के बाद जिएगी और उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को कोई भी दुनिया में मैच नहीं कर सकता। और इस टॉयलेट स्लाइड को देखकर भी यूं ही लगता है कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। असल में सन 2014 में टोक्यो के नेशनल म्यूजियम ऑफ इमर्जिंग साइंसेज ने एक कैंपेन डिजाइन की और इस अवेयरनेस कैंपेन का टॉपिक था कि सीवरेज और फ्लशिंग सिस्टम को कैसे बेटर बनाना क्यों जरूरी है। और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए उन्होंने टॉयलेट सीट की शेप में ये स्लाइड डिजाइन की जिसमें लोग उसके अंदर जाते थे और फिसलकर बाहर निकलते थे। और इतना ही नहीं बल्कि लोगों को ये स्लाइड लेने से पहले फेमस ब्राउन पूप इमोजी जैसा हैट सर पर रखना पड़ता था। अब ये तो मालूम नहीं है कि ये स्लाइड लेने के बाद बड़ों ने फ्लश सिस्टम के बारे में क्या सीखा, लेकिन इतना जरूर है कि बच्चों ने इसे बहुत एंजॉय किया। व्यूअर्स, पार्क्स में जब भी बच्चों के लिए स्लाइड्स डिजाइन की जाती हैं, तो इस बात को इंश्योर किया जाता है कि वो आसानी से उसके टॉप पर पहुंच सके और जब वो स्लाइड करते हुए नीचे लैंड करें तो आगे कोई सॉफ्ट जगह हो। और ये सारी बातें उस वक्त भुला दी गई जब चाइना में ये स्लाइड डिजाइन की जा रही थी। आपकी आंखें धोखा नहीं खा रही, बल्कि वाकई ये स्लाइड एक ऊंची बिल्डिंग की छत के किनारे पर रखी गई थी और इससे आगे कई फुट का फॉल, यानी ये स्लाइड लेने वाला सीधा 50 फुट नीचे जमीन पर ही आकर गिरेगा। असल में ये कंपनी प्लेग्राउंड्स के झूले और स्लाइड्स वगैरह ही बनाती थी और अपनी निशानी के तौर पर उसने बिल्डिंग के ऊपर एक स्लाइड ही रख छोड़ी। अब अगरचे छत पर जाने के रास्ते बंद तो रखे जाते हैं, लेकिन लोकल रेजिडेंट्स का कहना ये है कि अगर कभी कोई टीनेजर या बच्चा छत पर पहुंच जाए और इस स्लाइड पर बैठ भी जाए तो कौन नुकसान का जिम्मेदार होगा। और दोस्तों इससे भी ज्यादा डेडली है ये चेक रिपब्लिक की क्लिफ साइड स्लाइड जो सी लेवल से 3600 फीट ऊपर है। असल में ये ससब्स वैली का एक 360 व्यू लेने के लिए स्टेशन कायम किया गया था और वो लोग जो एडवेंचर के शौकीन हैं या फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं तो उन्हें फौरी नीचे पहुंचाने के लिए स्लाइड बनाई गई। जरा इमेजिन कीजिए कि आप टॉप ऑफ द माउंटेन पर खड़े हैं और चंद ही सेकंड के बाद आप चोटी से नीचे पहुंच गए हैं। और वाकई ये क्लिफ साइड स्लाइड कमजोर दिल लोगों के लिए नहीं है, इसीलिए तो इसे ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया गया। और दोस्तों अगर आपको टाइटैनिक मूवी पसंद है और डूबते हुए जहाज का सीन याद भी है तो वो यादें ताजा करने के लिए आपके लिए सिंकिंग टाइटैनिक स्लाइड काफी होगी। ये स्लाइड आजकल दुनिया भर में काफी फेमस हो रही है और उसकी वजह यह है कि ये फोल्डेबल है और आप कहीं भी इसमें हवा भरकर इसे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना यह है कि ये बच्चों के लिए सेफ नहीं है और कोई भी इससे गिरकर वैसे ही मर सकता है जैसे डूबते हुए टाइटैनिक से लोग गिरे थे। लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में लोकल फेस्टिवल्स में हत्ता के लोगों के घरों के अंदर भी ये टाइटैनिक स्लाइड नजर आ ही जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस अनयूजुअल और यूनिक स्लाइड के बारे में आप क्या कहोगे कि जिसमें स्टैचू का ना सिर्फ पेट बल्कि बाजू और टांगे भी स्लाइड्स हैं। लेकिन एक खराबी इनमें ये है कि ये स्लाइड्स लोहे और स्टील की बनाई गई थी और इनके ऊपर कोई शेड भी नहीं है। बस फिर गर्मियों में जब धूप यहाँ पर पड़ती है तो ये इतनी तप जाती है कि शाम तक ठंडी नहीं होती और इसीलिए पूरी गर्मियां कोई बच्चा इस पार्क में नहीं आता। तो व्यूअर्स ये थी दुनिया की अनयूजुअल स्लाइड्स की एक लिस्ट जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।